बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन टीचिंग ऑफ 10th जनरल मैथमेटिक्स। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एंड दिस इज़ योर जनरल मैथमेटिक्स बुक 10। दीज आर द कॉन्टेक्ट्स ऑफ दिस बुक, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, एंड चैप्टर नंबर 5 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर इज 107। 107 इज यूनिट नंबर 5 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस टॉपिक। जी, Do you know what is linear equation? Linear equation, आपने previous classes में पढ़ा था कि linear equation क्या होती है। Good, very good. Linear equation हमारे पास ax plus b, x हमारे पास variable होता है, a इसका coefficient, b कोई भी real number होता था। अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर की हमेशा पावर वेरिएबल की 1 होती है, क्वाड्रेटिक में हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर 2 है, यानी कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पर A, B and C, these are the real numbers and A is not equal to 0. Clear? यहां से आप अपने पेज नंबर 108 पे डेफिनेशन को मार्क करेंगे। डेफिनेशन हमारी स्टार्ट हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर एक्स इज अ वेरिएबल एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। दिस फॉर्म एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। क्लियर? नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 and the page number is 114. Question number 1 is solve by using factorization method. आपने previous classes में भी factorization method पढ़ चुके हैं। Start करते हैं। I have already prepared my board. Okay. Question number 1, solve by using factorization method. एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वेयर मेरे पास यहाँ वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ अगर मैं कोफिशेंट 1 राइट कर सकती हूँ बिकॉज देयर इज नो कोफिशेंट, उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर 1 है। अब इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 12 के साथ। आई हैव अगेन राइट क्वेश्चन, कोफिशियंट इज 1, 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 12, दिस इज पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस इज माइनस 12। मेरे पास 1 को 12 से मल्टीप्लाई करने से आया विद देयर साइन, दिस इज माइनस 12। अगर मैं माइनस 12 को सिर्फ 12 अब लेते हैं, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 2 सिक्स आर 12, 2 थ्री आर 3 एंड 1। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट मेरे पास है एक्स स्क्वेयर एंड लास्ट है मेरे पास माइनस 12। एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 12 को मैं एज इट इज राइट कर देती हूँ। माइनस 4 को मैंने ऐसे ब्रेक करना है कि इसको ब्रेक कर ऐसे किया जाए टू डिजिट्स में कि आंसर मेरे पास माइनस 4 है। फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 टू ज़ा 4 करूँ, 4 माइनस 3 करूँ, दिस इज़ 1, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस 4। तो हम क्या करते हैं, 3 टू ज़ा 6, 6 माइनस अगर 2 कर दिया जाए
सिक्स माइनस टू, मैंने कहा माइनस करें, सिक्स माइनस टू तो वो फोर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर किस साइन, किस डिजिट के साथ माइनस आना चाहिए, किसके साथ प्लस आना चाहिए, क्योंकि आंसर में माइनस फोर है। मैं यहाँ लगा देती हूँ माइनस फोर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिक्स के साथ पॉजिटिव लगा देती हूँ और टू के साथ माइनस लगा देती हूँ तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, सिक्स में से टू सब्ट्रैक्ट करें फोर तो आ जाएंगे, लेकिन चूंकि सिक्स के साथ ग्रेटर डिजिट के साथ प्लस साइन, इसका मतलब है यहाँ प्लस आ जाएगा और मुझे तो माइनस फोर चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और स्मॉलर के साथ प्लस यूज़ करना पड़ेगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, सिक्स माइनस टू इज़ फोर, ग्रेटर टर्म के साथ माइनस साइन था तो इस वजह से मेरे आंसर के साथ भी माइनस फोर। यानी कि जब हम माइनस फोर को ब्रेक करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस सिक्स प्लस टू, और वेरिएबल एक्स चल रहा है तो आपके साथ एक्स यूज़ करना है। क्लियर। अब हम फर्स्ट टू कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन आ गया, रिमाइंडर इज एक्स माइनस सिक्स प्लस टू, इनमें से टू कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। जो आपकी कॉमन टर्म्स हैं उनको हम वन टाइम राइट करेंगे, एक्स माइनस सिक्स और एक्स प्लस टू, और इनको मिला के वन टाइम राइट करेंगे इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। नेक्स्ट हम, अब हम एक्स माइनस सिक्स को भी ज़ीरो के इक्वल कर देंगे और एक्स प्लस टू को भी ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, कोमा लगाइए, एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, एक्स जब ट्रांसपोजिशन होगी तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स, इसी तरह एक्स जब टू की ट्रांसपोजिशन होगी, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज करेगा इक्वल टू माइनस टू। क्लियर। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सिक्स एंड माइनस टू। कीप इन योर माइंड एक्स के दोनों आंसर्स हैं, इसलिए सिर्फ हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, वो हम ऑर्डर पेयर में राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर टू एज इट इज़ है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट माइनस सेवन एक्स है, तो आप एट और माइनस सेवन एक्स की ट्रांसपोजिशन कीजिए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वेरिएबल होना चाहिए फिर कॉन्स्टेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो, और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर वन टू की तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर में भी आप खुद सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर राइट साइड पर है, फाइव एक्स को भी आप राइट साइड ले आए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप राइट साइड ला रहे हैं या लेफ्ट साइड ला रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एज इट इज़ यू हैव टू सॉल्व बाय ओन सेल्फ। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी एज इट इज़ है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ एक्स बाय फोर इन टू एक्स प्लस वन इक्वालिटी थ्री। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगेन राइट क्वेश्चन, एक्स बाय फोर इन टू एक्स प्लस वन इक्वालिटी थ्री, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ चेक करें एक्स बाय फोर, इस फोर का मतलब है कि ये इस एक्स प्लस वन के नीचे है, कंप्लीट है, ये फोर कंप्लीट इस टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं फोर को, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, हम इस फोर को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय फोर ऑन बोथ साइड्स मींस एक्स बाय फोर इंटू एक्स प्लस वन, इस ये एक टर्म है, इस टर्म के साथ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ फोर को, यहाँ भी और यहाँ भी। स्टेप क्लियर है, दिस इज फोर, कंप्लीट टर्म के साथ फोर को लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई किया,
टर्म के साथ 4 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आपके पास 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया n इन x इंटू x प्लस 1 एंड 4 3 इज़ 12। क्लियर, x को मल्टीप्लाई करें, x यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर, फिर x देयर इज पॉजिटिव साइन, प्लस प्लस इज प्लस, x वन जर x इज इक्वल टू 12। ठीक, नेक्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर प्लस x, 12 की ट्रांसपोजिशन होगी, माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर, अब हम यहाँ पे आपके पास कोफिशेंट 1 है, कोफिशेंट 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज माइनस 12, ये मेरे पास आ गया माइनस 12। अगेन हम 12 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव 1। वेरिएबल के साथ कोफिशेंट यहाँ पे इस टाइम क्या है, 1 है, ऐसे सॉल्व करना है कि आंसर मेरे पास पॉजिटिव 1 आ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 2s आर 4 एंड माइनस 3, 4 में से 3 को अगर माइनस कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 4 माइनस 3, 4 मैंने कहा 4, अभी मैं साइन नहीं यूज़ करी, 4 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट करना है इस ऑपरेशन को, लेकिन अब ये है मेरे पास आंसर है पॉजिटिव 1, ये सोच के हमने साइन लगाना है कि किसके साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, किसके साथ नेगेटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो हमने करना है। सब्ट्रैक्ट का मेथड क्या है कि प्लस माइनस माइनस, एक के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो इसके लिए हम ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव लगाएंगे और स्मॉलर वैल्यू के साथ नेगेटिव लगाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 3 इज़ 1, ग्रेटर के साथ पॉजिटिव साइन था तो ये पॉजिटिव आ गया। तो चेक करें मेरे पास आंसर आ रहा है, और इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने से ये जो हमने माइनस 12 लिखा था, 4 3 इज़ 12, आंसर इज़ माइनस 12। मल्टीप्लीकेशन अब कर रही हूँ इन्हीं दो की, 4 पॉजिटिव और माइनस 3 नेगेटिव, 4 3 इज़ 12 प्लस माइनस माइनस 12, तो आंसर माइनस, यानी इन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से सेंटर वाला नंबर, और इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने से जो हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई करके माइनस 12 आना चाहिए। क्लियर, फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 एज इट इज़, हमने ब्रेक किया 4 एंड 3 में, प्लस 4x माइनस 3x, फर्स्ट टू में से कॉमन ले लें x, दिस इज x प्लस 4, माइनस कॉमन आया 3 कॉमन लें, याद रखिएगा जब भी माइनस कॉमन आ जाए अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, 3 तो पॉजिटिव x, यहाँ भी नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, 3 4 जर 12 इक्वल टू 0, कॉमन x प्लस 4 हम वन टाइम राइट करेंगे, x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 को हम 0 के इक्वल करेंगे और x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल करेंगे। ओके, ट्रांसपोजिशन कीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया एंड x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट माइनस 4 एंड 3, दिस इज योर आंसर। ओके, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 10 तक सेम है ये आप खुद करेंगे, 11, 12, 13 सेम है, यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको करवा देती हूँ, 11 और 13 आपसे हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर इज 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 2x+1 इंटू 5x-4, दोनों दिस इज़ फर्स्ट टर्म दिस इज़ सेकेंड टर्म, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगेन राइट क्वेश्चन, 2x+1 5x-4 इक्वल टू 0, 2x को पहले हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 को इस कंप्लीट टर्म से करेंगे, अब स्टेप कर लें यहाँ पे, 2x इन टू 5x-4
देन पॉजिटिव वन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर स्टेप? मैंने यहाँ पे क्या किया, 2x को मल्टीप्लाई किया इस कंप्लीट टर्म से, फिर अगेन 1 को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव 1 को इस कंप्लीट टर्म से। क्लियर? मल्टीप्लाई कर ले, 5 2s are 10x स्क्वायर माइनस दिस इज पॉजिटिव साइन प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8x प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स एक्स सॉल्व हो रहे हैं, 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। जी यहाँ पे ये देखें, अगेन हम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ आपको एक स्टेप समझाना है, लेकिन आप पहले इसकी फैक्टराइज करें, फिर मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कोफिशेंट इज 10, यहाँ पर हमारे पास माइनस 4 है, 10 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 10 4s are 40 एंड प्लस माइनस इज माइनस 40। 10 फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज, माइनस 3, 40 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास माइनस 3 आ जाए। टू डिजिट्स लेंगे, 2 से करें, 2 1s are 2 5s are 5 and 1। जी क्या करें हम इसमें से कि हमारे पास 3 आ जाना चाहिए। अगर मैं चेक कीजिए, 2 2s are 4 4 2s are 8, यहाँ तक 8 आता है। अगर मैं 8 में से 5 को माइनस कर दूँ, 8 में से 5 माइनस कर दूँ, तो मेरे पास 3 आ जाता है। अब ये है कि साइन कौन से यूज़ करें, क्योंकि 3 के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आना चाहिए स्मॉल, और 5 के साथ स्मॉलर वैल्यू के साथ प्लस आना चाहिए। प्लस माइनस 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 8 में से पॉजिटिव 5 को करें, दिस इज माइनस 3। इसी तरह अगर मैं माइनस 8 को पॉजिटिव 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो 8 5s are 40 प्लस माइनस इज माइनस, तो मल्टीप्लाई करने से इन दो प्लस माइनस करने से माइनस 3 आ गया, और इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने से माइनस 40 हो गया, और ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, हमने क्या लिया, माइनस 8 प्लस 5x। जी देखिए क्वेश्चन को, यहाँ कोई चीज़ आपको समझ आ रही है, कोई स्टेप रिपीट हुआ है? वेरी गुड, ये स्टेप चेक करें और ये स्टेप चेक करें, ये दोनों स्टेप सेम हैं, लेकिन मेरे करवाने का मकसद इसीलिए था ताकि आपको ये स्टेप समझ आ जाए, कि ये ना हो कि मिसने डायरेक्ट क्यों कर दिया। यहाँ पे देखें, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ओपन करने से हमारे पास वही स्टेप आ गया, फिर हमने मिनिमाइज़ किया, एक्स सॉल्व किया, फिर हमने दोबारा इसको ब्रेक कर लिया। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये स्टेप किए गए। नहीं करना तो आप डायरेक्ट, अगर आपको समझ आ जाती है तो ये डायरेक्ट ये स्टेप कीजिए जो अब मैं करने लगी हूँ, फर्स्ट टू में से, क्योंकि सेम है। क्या कॉमन निकलेगा हमारे पास, 2x कॉमन आ रहा है, 5 2s are 10x माइनस 4 2s are 8 प्लस 1 कॉमन आया, 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, जी 5x माइनस 4 सेम है, 5x माइनस 4 एंड द सेकेंड इज 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम 5x माइनस 4 को भी इक्वल 0 करेंगे और 2x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल करेंगे। 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 5x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/5। दिस इज 2x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2। क्लियर? सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, हमारे पास फर्स्ट का आंसर आया x का 4/5 एंड सेकेंड है माइनस 1/2। 4/5 एंड सेकेंड इज माइनस 1/2। दिस इज योर आंसर। होमवर्क डायरी नोट कर लीजिए।
एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 पार्ट्स हैं इसमें, ये आपने करने हैं। एंड द पेज नंबर भी मैं मेंशन कर रही हूँ, पेज नंबर इज 114। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू हैव टू डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।